सड़क टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं की सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सभी बिंदुओं पर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। कुछ राज्यों में बचा कुचा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए कि हम देश की जनता को सब एकत्रित आकर ऐसी ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। 2019 से हमने एक बहुकोणीय रणनीति का अमल में लाया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, इसके लिए हमने वैक्यूम्स ढूंढे और एक ही साल में 194 से ज्यादा कैंप हमने प्रस्तापित किए हैं और मैं मानता हूं कि इससे हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। 45 पुलिस स्टेशन और इसके माध्यम से सिक्योरिटी वैक्यूम को खत्म करना, स्टेट इंटेलिजेंस की शाखाओं को सुदृढ़ करना, राज्य के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है, इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार है। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था और 24-25 अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चौकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूर है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और
मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब करीब तीन गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू कर शुरू किया था, इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता एससीए, ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये भी एक पूर्ण रूप से नई योजना शुरू हुई। 45 पुलिस स्टेशन पहले 66 बनाए गए 10 साल में, अब 10 साल में 544 बनाए गए हैं। सड़क नेटवर्क पहले 2,900 किलोमीटर बनाया गया, इस 10 साल के अंदर सड़क नेटवर्क 11,500 किलोमीटर बनाया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विगत 10 साल में 4 से 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे, 14 से 24 में 15,300 टावर लगा दिए गए हैं और उसमें से 5139 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है। एकलव्य मॉडल स्कूल 2014 के पहले 38 स्वीकृत हुए थे, एक भी नहीं बना था, अब 216 स्वीकृत हुए और उसमें से 165 एकलव्य मॉडल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। एयर एफर्ट्स, इसके लिए नील खर्चा था, अब लगभग 1000 करोड़ रुपया एयर एफर्ट्स का हम खरीद रहे हैं और ट्रॉमा सेंटर जगदलपुर में बनाया है 131 करोड़ के खर्च से। ये बताता है कि हमने कितनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि आंकड़े भी हमारे इस सारे एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी, मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है और नागरिक और सुरक्षा बलों के मृत्यु में 70% की कमी हुई है। हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 है, इसकी जगह 42 हुए हैं, 57% कमी हुई है। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने सच्ची कहा है, ये जिलों की संख्या इसलिए थोड़ी ज्यादा रिक्ती है कि 42 में से 21 जिले नए बने हैं। अगर पुराने जिलों का हिसाब करें तो अब सिर्फ 16 जिले बचे हैं, तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंथी उग्रवाद के लिए बने। हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं, इसमें 50 पुलिस स्टेशन नए बने हैं, तो एक प्रकार से अब 120 पुलिस स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसक घटनाएं हुई है। और मैं मानता हूं कि ये सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के साझा संयुक्त प्रयास का परिणाम है और हम इसको और दृढ़ता के साथ और स्फूर्ति के साथ और एक ही दिशा में आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। माओवादी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या में भी जो कमी है, इसमें भी कुछ जिलों को हमने, जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों का सुझाव आया था, एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में चालू रखने का निर्णय किया है, इसलिए वो है, अदरवाइज वहां पर आज शांति हो गई है। छत्तीसगढ़ की सफलता हम सब के लिए उत्साह की प्रेरणा लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में केवल
हथियारी ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सरेंडर हुए वो भी एक अलग बात है, परंतु इसके अलावे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चलाया है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। इसके कारण गांव में स्कूल पहुंचा है, सस्ता अनाज की दुकान पहुंची है, सस्ती दवाइयों की दुकान पहुंची है, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और सेकेंडरी स्कूलों की भी शुरुआत हुई, और मुझे कहते हुए आनंद हुआ है कि कई गांव इस चुनाव में ऐसे थे जनरल इलेक्शन में जिन्होंने 30 साल के बाद वोटिंग किया है, वहां पर वोटिंग हुआ है, वरना पोलिंग पार्टी जाती थी नील वोटिंग का डब्बा लेकर वापिस आती थी। पहले बार 70-70% वोटिंग किया गया है। सुरक्षा वैक्यूम को कम करने के लिए 2019 से अब तक हमने 280 नए कैंप बनाए हैं, 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए हैं और सीआरपीएफ की 6 बटालियन नई अलग अलग राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता में हमने भेजा है। इसके साथ साथ एनआईए को भी हमने एक्टिव कर इनके वित्तीय पोषण को भी रोकने का हमने ऑफेंसिव रणनीति अपनाया है, जिसके कारण इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी, अब सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी हुई है। डिफेंसिव नीति को बदलकर ऑफेंसिव रणनीति अपनाई है। कई ऑपरेशन 13 दिन, 10 दिन, 12 दिन के चलाए गए, जिसके कारण घेरा कर अगर 12 दिन ऑपरेशन चलता है तो उनको भागने का समय नहीं मिलता है। एनआईए द्वारा प्रोसिक्यूशन के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। यूएपीए में जो केस रजिस्टर होते हैं इसको सजा कराने तक की पूरी कार्य योजना एनआईए ने बनाई है और ढेर सारे राज्यों की ट्रेनिंग भी की है। मेरा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि आपके यहाँ जो केस पेंडिंग है वो केसों में एनआईए की टीम को बुलाकर आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ट्रेनिंग कराएंगे तो इससे हमें फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाओं के अलावे सड़क टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं की सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सभी बिंदुओं पर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना शुरू किया, इसके भी अच्छे नतीजे मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। टेलीफोन कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क और शिक्षा, ये तीनों के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके बगैर केंद्र सरकार ये सारे काम समाप्त नहीं कर सकती। मेरा सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से आग्रह है कि ये विकास के कामों की आपके द्वारा कम से कम महीने में एक बार रिव्यू हो, मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की जो थोड़ी तकलीफ होती है इसको आप लोग मदद करिए। हमने 3C मतलब 3 स्तर पर कनेक्टिविटी में सुधार लाना, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक और पोस्ट ऑफिस को वहां तक पहुंचाना, इसको विशेष ध्यान दिया है। मित्रों, नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के
विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। यह भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पुश देकर समाप्त करें। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इसके मूल समेत उखाड़ देने के संकल्प कर इस सम्मेलन से हमने जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मेरा आप सभी आग्रह है कि हम देश की जनता को सब एकत्रित आकर ऐसे ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। अब विकास के आड़े कोई बाधा नहीं है, अब कभी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और अब आइडियोलॉजी के नाम पर किलिंग भी नहीं होंगे। ये सभी संयुक्त घोषणा हम सब अप्रैल 26 में कर पाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।